क्रिकेट खेलते हैं या फिर फुटबॉल या फिर कहां गई मेरी कैची? अरे मिल भी जाओ, क्या तुम मेरे साथ छुपन छुपाई खेल रही हो? आइडिया, चलो छुपन छुपाई खेलते हैं। वो कैसे खेलते हैं? मैं तुम्हें बताती हूँ। एक खिलाड़ी अपनी आंखें बंद करके 1 से 20 तक गिनेगा और तब तक बाकी खिलाड़ियों को कहीं छिप जाना है। फिर जो खिलाड़ी गिनती कर रहा है उसका काम होगा बाकी सबको एक एक करके ढूंढना। बच्चों, क्या तुम लोग छुपन छुपाई खेल रहे हो? मुझे भी यह खेल बहुत पसंद है। मैं बचपन में इस खेल का चैंपियन था। क्या सच में पापा? तो आप भी हमारे साथ खेलेंगे? हाँ जरूर, चलो खेलते हैं। नहीं खेल सकते। क्यों? क्योंकि मुझे तो सिर्फ 10 तक की गिनती आती है। तो तुम 10 तक गिनती कर लेना। लेकिन ऐसे जब गैफी गिनती करेगी तो छुपने का समय बहुत कम मिलेगा। आइडिया, तो तुम ऐसे गिनती करना, टिक टिक 1, टिक टिक 2। हाँ ये सही रहेगा, इससे छुपने का पूरा समय भी मिलेगा। मैं गिनती करती हूँ और तुम सब छुपो। 1, 2, 3, 4, 19, 20। ढूंढ लिया गैफी। ओ धप्पा। धप्पा क्या होता है? अरे हाँ, इस खेल का एक जरूरी रूल या नियम ये है कि अगर किसी भी छिपे हुए खिलाड़ी ने ढूंढने वाले को पहले छूकर धप्पा बोला तो खेल दोबारा शुरू होगा और उसे फिर से गिनती करके सबको ढूंढना होगा। मतलब अब तुम्हें फिर से गिनती करनी होगी और हम सबको छुपने का मौका मिलेगा। 1, 2, मैं आ गई ढूंढने। मैंने आपको ढूंढ लिया। आप तो कहते थे कि कोई आपको नहीं ढूंढ पाता। अरे हाँ, लगता है मेरी याददाश्त मुझे धोखा दे रही है। शायद मैं इस खेल में इतना भी अच्छा नहीं था। दोस्तों, क्या आपको गैफी छुपी हुई दिख रही है? मैंने तुम्हें ढूंढ लिया गैफी। नहीं, मैं तो फिर से पकड़ी गई। पापा को ढूंढ लिया और गैफी को भी, तो अब कौन बचा है? क्या आप बता सकते हैं दोस्तों? मटरू, कहाँ छुप सकती है वो? कुर्सी के नीचे या टेबल के नीचे या कपड़ों के पीछे? मटरू तो घर में कहीं दिख नहीं रही है। अरे ये कौन है? मटरू, तुम बाहर क्यों गई? हम तो घर के अंदर खेल रहे थे ना। लेकिन ऐसा तो कोई नियम हमने नहीं बनाया कि घर के अंदर ही छुपना है। अगर हम कहीं भी छुपेंगे तो ऐसे कोई किसी को ढूंढ नहीं पाएगा। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या ऐसा नियम बनाना चाहिए जिससे ये समझ आ सके कि हम कहाँ छुप सकते हैं और कहाँ नहीं? तुम सही कह रहे हो, अब ये नियम होगा कि हम सिर्फ घर के अंदर ही छुप सकते हैं। और बच्चों, तुम्हें नियम के साथ कुछ सावधानी भी तो रखनी चाहिए, जैसे किसी ऐसी जगह पर ना छुपना जहाँ तुम सुरक्षित नहीं हो। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। बच्चों, आपको भी खेलते हुए ये ध्यान रखना चाहिए कि आप जिस जगह छुपे वह सुरक्षित रहे। तो सबको ढूंढ लिया मैंने, अब किसकी ढूंढने की बारी होगी? जिसको सबसे पहले ढूंढा था, और वो है पापा। क्या सच में? चलो फिर हो जाए छुपन छुपाई का राउंड 2। दोस्तों, आप भी अब छुपन छुपाई खेलने के रूल्स तो समझ ही गए होंगे। खेलो ये खेल 1 से 20 तक करके गिनती। नहीं आती तो टिक टिक करके गिनती है हो सकती। कहाँ कहाँ छुपना है और कहाँ कहाँ नहीं, सुरक्षा का रखते हुए ध्यान पहले से कर लो इसकी पहचान। बोला किसी ने धप्पा तो फिर से बारी है लेना पड़ता। बनाए हम खेल के नियम साथ साथ, सुनकर एक दूसरे की बात। अब आप भी अपने दोस्तों के साथ ये खेल खेलें और मजा करें। बाय बाय दोस्तों, अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे।